2021 में मैं रिटायर हुआ और मैंने तो सब पैसा वहाँ पे उसमें दे दिया और मेरे पास अब कुछ रह नहीं गया है। अगर मेरा घर जाता है तो मेरे पास सड़क पे भी रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हम जब आर्मी से रिटायर हुए, मार्च महीने में रिटायर हुए थे, वही हमारी प्रक्रिया थी कि हम जमीन लेंगे, मकान बनाएंगे और सारा का सारा पानी फिर गया है कि हमारे परिवार फौजी परिवार जो कि इतना अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं सर। अब तो यही होगा कि सरजू माता या तो उबारेगी या तो समा जाएंगे सर, बाकी हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं। ये तस्वीरें हैं अयोध्या के माझा जमथारा और गौरापट्टी क्षेत्र की, जहां विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गरज रहा है। जमथारा से लेकर अयोध्या धाम के गोलाघाट तक यह पूरा इलाका डूब क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में जमीन के कागजात में खेला करते हुए भूमाफियाओं द्वारा कौड़ियों के भाव जमीन बेच दी गई। मुद्दा उठते ही अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख SIT जांच की मांग कर दी। हालांकि इस चिट्ठी से पहले लगातार शिकायतों के चलते अचानक पूरा तंत्र हरकत में आ गया और इस बुलडोजर कार्रवाई के अचानक हरकत में आने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इसकी चपेट में सेना के वर्तमान और सेवानिवृत्त कई जवानों के परिवार समेत ऐसे बहुत सारे लोग आ गए जिनका सपना महज एक मकान बनाने का होता है और उसके लिए वो अपनी बचत से पाई पाई जोड़ते हैं। ऐसे में उनका सब कुछ जा रहा है। उनका सवाल साफ है, अगर जमीन डूब क्षेत्र की थी तो उस पर आवासीय रजिस्ट्री क्यों की गई? अब लोग जाएं तो जाएं कहां? जून 2021 में मैं रिटायर हुआ और मैंने तो सब पैसा वहां पे उसमें दे दिया और मेरे पास अब कुछ रह नहीं गया है। अगर मेरा घर जाता है तो मेरे पास सड़क पे भी रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मेरे पास जो सुविधा साधन है वो रखने के लिए जगह नहीं है। अभी इस हालत में तो ना हमें खाना पीना, जो हमारे भाई लोग हैं सब इन, अभी ये भी इनका भी है साथ में, इनका जो है टाइप इन बना हुआ था और ढकेल दिया, इनको ढकेल दिया है, इनके सामने ही सामने गिरा है। अधिकारी बोलते हैं, बोला आज ये प्लॉट गिरा है, कल को ये जो आपके ये बड़े बड़े बिल्डिंग हैं ये भी गिराए जाएंगे, आप लोग तैयारी करो। सर ये देश का जो है कितना बड़ा लोचा है सर, कितनी एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी गड़बड़ी, माफियाओं में कितनी गड़बड़ी, आप लोग हमारा निवारण करें सर। हम अपने जो भी है सिस्टम है मैं उसको कहना चाहता हूँ कि हमारे परिवार फौजी परिवार जो कि इतना अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं सर। अब तो यही होगा कि सरजू माता या तो उबारेगी या तो समा जाएंगे सर, बाकी हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं। जनवरी की जमीन है, जनवरी महीने में इसी जनवरी में रजिस्ट्री किया गया और दाखिल खारिज होकर के 3 महीना हो गया। हम जब आर्मी से रिटायर हुए, मार्च महीने में रिटायर हुए थे, वही हमारी प्रक्रिया थी कि हम जमीन लेंगे, मकान बनाएंगे और सारा का सारा पानी फिर गया है। और हमारे एक मित्र हैं जो उन्होंने जमीन लेकर के तत्काल शुरू किया, मकान बन गया, आज के डेट में रह रहे हैं, बगल का मकान है। और हमारे एक मित्र और उससे आगे जमीन ले जो उनके बुलडोजर उनके उस पे चल गया। सपा नेता और अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे ने इस मुद्दे पर योगी सरकार पर दबाव बनाते हुए चुनौती दे दी कि अगर आप ईमानदार हैं तो इस मामले के भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करके दिखाइए। मैं चुनौती देकर कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप ईमानदार हैं तो ये जो माँ भारती के सेवक हैं, हिंदुस्तान के सैनिक हैं, जिन भूमाफियाओं ने और जिन अधिकारियों के गठजोड़ ने इनका अपमान किया उस पर कार्रवाई करिए। और अगर बाढ़ क्षेत्र था तो जमीन बिकी कैसे, सैनिकों को प्लाट कैसे बेचा गया, दाखिल खारिज कैसे हुई, रजिस्ट्री कैसे हुई, सरकारी शुल्क कैसे जमा हुआ, इन सब के जो भी लोग दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कहूंगा 10 साल से वहां पानी नहीं आया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तब बंधा बन गया था, अब वहां बाढ़ क्षेत्र नहीं है, पानी आता नहीं है, कम से कम 7-8 वर्ष पहले से वहां लोगों ने मकान बना रखे हैं, 7-8 वर्षों में कभी उनके मकानों में पानी नहीं घुसा, कोई बाढ़ का पानी नहीं आया। तो मैं पहले तो मांग करूंगा उसे बाढ़ क्षेत्र खत्म कर दिया जाए। और जो हमारे सैनिकों ने 500, 700, 800, 1200, 1500 के प्लाट लिए हैं उन्हें मकान बनाने का अवसर दें। इस मुद्दे पर जैसे ही सपा नेता पवन पांडे ने सेना के रिटायर्ड जवानों की आवाज उठाई और CM योगी को चुनौती दी, फौरन अयोध्या से BJP सांसद लल्लू सिंह ने साफ तौर पर कहा कि हम भी परीक्षण कर रहे हैं और हम सब उसका परीक्षण करा रहे हैं, प्रशासन के लोग भी परीक्षण करा रहे हैं, जिससे भविष्य में जनता का उत्पीड़न न हो और वो जल्दी ही उसका परीक्षण हो जाएगा। सारी बातें सामने, जो लोगों ने कथित तरीके से बेचा है फ्रॉड करके उनके पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, समझे? तो इसी जब परीक्षण हो जाएगा तभी सारी बातें सामने आएंगी ना।
हालांकि मामले की गंभीरता को भांपने के बाद सांसद लल्लू सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर अयोध्या में जमथारा से गोलाघाट तक भू माफियाओं की ओर से नजूल और सरयू नदी की डूब क्षेत्र की जमीन में किए गए अवैध कब्जों निर्माणों की SIT जांच कराने की मांग की। तो कुल मिला जुलाकर इतने बड़े पैमाने पर ये खेल चल रहा है भू माफिया और सरकारी तंत्र में बैठे लोगों के कारण। रिटायर्ड सेना के जवानों जिन्होंने दिन रात एक करके देश के लिए पहरा दिया, देश की सुरक्षा में हमेशा आगे खड़े रहे, उन्हें इस तरह से भू माफिया ठग रहे हैं। और जनप्रतिनिधि भी तब जाग रहे हैं जब विपक्ष पुरजोर तरीके से मुद्दा उठा रहा है या दबाव बना रहा है। अयोध्या से बनवीर सिंह की रिपोर्ट, UP तक।